मॉर्निंग बच्चों, देखो बेटा फंडामेंटल से लेके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तक के चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब ये मान के चलो पूरी पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट है। अब पार्टनरशिप को करने के बाद में एक वॉल्यूम वन में स्टार्टिंग का बिल्कुल चैप्टर नंबर वन रह गया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NPO के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है वो सुनिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना है मीनिंग ऑफ NPO। NPO का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको सेट किया है कि NPO का मीनिंग क्या है, कि NPO आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक और मेंबर्स। इनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। देखो नाम से पता लग रहा है क्या लिखा हुआ है, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मोटो, इनका पर्पस प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। बात समझ में आ गई मेरी कि नहीं आ गई? तो देखो तुमने देखा होगा दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है वो होते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है वो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में NPO के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं एटसेट्रा, ये सब किस में आते हैं, ये सब NPO के अंदर आते हैं। क्यों? इनका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अब NPO से जो कौन ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं जहाँ से NPO के अंदर पैसा आता है, वो है आपका डोनेशन है, मेंबरशिप फीस है, एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है, लोन एंड एडवांसेस है, ग्रांट है फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल रही है तो वो इसमें आती है। ये सब वो फंड्स हैं जिसमें NPO के अंदर पैसा हमारे पास रिसीव होता है। तो ये क्या है आपके फंड्स हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑफ NPO। NPO के अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपका ट्रेडिंग एंड P&L बनता था, बैलेंस शीट बनती थी, हैं? ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो बनाए जाते हैं। इसमें बनता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बात आती है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दोनों तरह की इनकम और एक्सपेंसेस दिखाई जाते हैं। दोनों तरह कौन से, रेवेन्यू नेचर का भी और कैपिटल नेचर का भी, दोनों तरह के आएंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर की कोई चीज़ नहीं आती है, केवल कौन सी चीज़ आती है, रेवेन्यू नेचर की ही चीज़ उसके अंदर दिखाई जाती है। आज मैंने क्या किया है, देखो अभी अभी आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट भेजा है,